सुक्कू जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने अपनी आंखों से सुक्खू जी को मेहनत करते हुए देखा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है। और दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकर्ता, आम आदमी, आम आदमी और आम कार्यकर्ता नहीं होता है, सबके सब लोग स्पेशल होते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता दिल से दिन भर मेहनत करते हैं। जब हमारी सरकार होती है हमारी विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं, जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकर्ता करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फर्क क्या है? भैया बाद में करिए। आपसे बातचीत करनी है, डायरेक्ट कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता आजादी के लिए लड़े, हमारे लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को यह संविधान दिया है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण, उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। मतलब आपने सुना, अपने आप अपने कानों से आपने सुना, आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वो चार चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो, आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो,
मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं अकेला जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूरत, वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है, या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है, या सुबह 7 बजे आती है, या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो, अच्छा अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए बंद कमरे में, मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान की, मतलब मजाक बना रखा है। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये